नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आकृति। सर्दियां आने से पहले ही लोगों के कंप्लेन आने शुरू हो जाते हैं कि उनकी तुलसी सूखने लगी और उनकी ग्रोथ भी रुक गई है। तो आज की वीडियो इन्हीं पर है, तुलसी पे, कि ठंड में सर्दियों में कैसे तुलसी माँ को सूखने से बचाया जाए। ये देखिए तुलसी की कंडीशन कैसी हो गई है, ये देखिए इनकी कंडीशन कैसे सूख रहे हैं, और ये देखिए कैसे। जो टिप्स मैं बताऊंगी, अगर आप उसे अप्लाई करेंगे तो ज़रूर आपकी तुलसी पूरी सर्दियां हरी भरी रहेंगी। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखेगा, और आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी हिट कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो प्लांट्स और पेंटिंग्स के ऊपर लाते रहती हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट जो है, तुलसी क्यों सूखती है हमारी, तो सबसे पहले हम उन्हें क्या करेंगे, आप जो ये मंजरी देख रहे हैं ये हमें रिमूव करना होगा। नहीं तो क्या होता है, जब आप ये जो सीड्स हैं मंजरी, अगर आप ये रिमूव नहीं करेंगे तो इनकी ग्रोथ यहीं पे स्टॉप हो जाएंगी। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे ये पूरी तरह स्टॉप हो गए। तो आपको ये सारे कट करके अलग करना होगा। कट करने का कोई भी सीजर से अच्छे से क्लीन कर ले, सैनिटाइज कर ले, उसके बाद इस तरीके से कट करके आप सारे मंजरी को सूखने का इंतज़ार ना करें। जब हरे रहे तभी आप कट करके अलग कर दें, वरना क्या होता है, वहाँ से ग्रोथ उनकी रुक जाती है। तो आपको सबसे पहला काम ये करना होगा, पूरी मंजरी जहाँ भी है, जैसे ये हरा ही है तो भी मैं कट करके हटा दूँगी। इससे क्या फ़ायदा होगा कि यहाँ से नए नए ब्रांचेस निकलने शुरू हो जाएंगे, ये देखिए। और ये इस तरह से कट करके जो ये सीड्स रहते हैं, ये जो मंजरी, मैं इसी में गिरा देती हूँ। तो ये देखिए गिराने का क्या फ़ायदा है, एक नया प्लांट मुझे यहाँ पे मिल चुका है। आप देखिए, ये देखिए नया प्लांट तुलसी जी का, ये नया प्लांट यहाँ से एक नया प्लांट ग्रो होंगे। तो ये भी एक फ़ायदा है, आपके तुलसी हरे भरे भी रहेंगे और नए प्लांट्स आपको मिलते रहेंगे। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, कि दूसरा पॉइंट ऐसा क्या है, तो जब भी जो मेन रूट है आपके तुलसी का, तो नीचे जो भी ब्रांचेज आए हैं, ये देखिए नीचे जो ब्रांचेज दिख रहे हैं, आप वहाँ वो भी रिमूव कर दें, यहाँ से इस तरीके से यहाँ तक गैप रहना चाहिए, जिससे कि हवा भी लगते रहे। और ये धीरे धीरे एक तरह से शक्कर का काम करता है, मतलब कि ये पूरी एनर्जी यहीं पर लेते रहते हैं और ऊपर आपकी तुलसी की ग्रोथ नहीं होगी। तो यहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ ना होने दीजिए जड़ों के पास, यहाँ तक। तो ये देखिए थिकनेस भी आप इसकी बहुत अच्छी हो जाएगी तुलसी की। तो यहाँ की सारी ब्रांचेज आप रिमूव कर कट करके हटा दें। तीसरा पॉइंट जो है कि आप देखते हैं कि ठंडियों में क्या होता है, पत्तियों पे वाइट पैचेज या ब्लैक पैचेज, कीड़े रहते हैं, तो उसे कैसे हटाया जाए। तो आप क्या करें कि नीम ऑयल आप पूरे एक लीटर पानी में नीम ऑयल एक ढक्कन डाल के पूरे प्लांट पे स्प्रे कर दें। उससे क्या होगा, जो भी तरह के कीड़े मकोड़े हैं वो हट जाएंगे और आपके पत्तियां जो है वो ख़राब नहीं होंगी। लेकिन केमिकल बिल्कुल ना डालें, क्योंकि आप ये पत्तियां कंज्यूम करते हैं। तो नीम ऑयल अगर नहीं है तो फिर सबसे बेस्ट है कि आप हल्दी, एक चम्मच हल्दी एक बॉटल पानी में स्प्रे करके पूरे प्लांट के ऊपर आप डाल दें। चौथा पॉइंट ये है तुलसी को सूखने की, जो लोग इसे बहुत ही लाइटली लेते हैं, बट ये बिल्कुल 100% है तुलसी के सूखने का कारण। जो लोग जो हैं वो इसमें पानी बहुत ज़्यादा डालते हैं, जैसे अगर 6 लोग हैं तो जब भी वो पानी डालेंगे, हर लोग एक एक लोटा इसमें पानी भर करके दे देंगे। लेकिन कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि पानी देना तो ज़रूरी है, बिल्कुल आप पानी दें, जैसे कि इस तरह के एक लोटे में आप पानी डालते हैं। तो अगर आप इतना भर भर के ये दोनों प्लांट या किसी में एक लोटा पानी डालेंगे, तो पूरी मिट्टी गीली रहेंगी और पूरी रूट जो है वो गल जाएंगी। तो आप क्या करें, आप पानी डालने की जो लोटा है वो छोटा कर दें, इसके बजाय आप ये छोटे से इस लोटे से आप देंगे तो पानी कम भी मिलेगा और आपकी जो पूजा है आप सब लोग जो करते हैं उनका भी पूरा हो जाएगा। तो आप साइज़ छोटा कर दें लोटे का, तो इसके बजाय
आप इससे पानी दे तो पानी भी ज़्यादा नहीं होगा और आपका काम भी हो जाए और आपकी तुलसी भी ख़राब नहीं होगी, क्योंकि पानी सबसे बड़ा रीज़न है तुलसी के सूखने की। बहुत लोग यकीन नहीं करते हैं, लेकिन आप देखिए तुलसी में, क्योंकि हमारे ये जो तुलसी है पॉट में लगी है, अगर ज़मीन में लगी रहती तो कोई दिक्कत नहीं होता, आप कितना भी पानी देते आपके प्लांट हरे भरे रहते, क्योंकि ज़मीन में पानी चारों तरफ से डाइवर्ट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके पानी इसी पॉट में रहेंगे, यही पॉट है, तो आप इसको पानी संभाल के दीजिए। उसके बाद ड्रेनेज अच्छा रखिए, पानी डालते हैं तुरंत निकल जाए पानी। नेक्स्ट है कि जब भी आप गुड़ाई करते हैं, गुड़ाई ज़रूर महीने में एक बार कर दीजिए, जिससे आपके प्लांट के ऑक्सीजन मिलते रहे। एक बात और, आप फर्टिलाइज़र की बात करते हैं, सोचेंगे फर्टिलाइज़र कौन सा दें, तो इसमें फ़िलहाल ठंड के समय में आप थोड़ा सा मिट्टी को निकाल करके आप गोबर खाद डाल सकते हैं। इस समय लिक्विड बिल्कुल ना डालें, क्योंकि लिक्विड डालेंगे तो तुरंत वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो आप गोबर खाद जो है इस तरह का पूरे चारों तरफ गड्ढा करके उसके बाद वापस मिट्टी से ढक लें, या फिर कोई थोड़ा बहुत कंपोस्ट भी डाल सकते हैं, या फिर गोबर के खाद, कोई भी एक मुट्ठी, इतने बड़े 10 इंच के गमले में 2 मुट्ठी डाल सकते हैं, ये छोटा है तो 1 मुट्ठी काफ़ी होगा। एक और पॉइंट है कि सर्दियों में ठंड से तुलसी तुरंत सूखती है, क्योंकि तुलसी को ठंड बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो आप क्या करें, इस तरह के ट्रांसपेरेंट बैग आप ले लें, ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन ले करके जहाँ बहुत ठंड पड़ती है वहाँ उस तरीके से इनको कवर कर दे रात के समय, शाम के समय, रात के समय कवर करके रखिए और सुबह पॉलीथीन को हटा दें। और जितना ज़्यादा हो सके ठंड में, अगर धूप आती है तो धूप में ही रखें तुलसी को, जिससे कि आपकी तुलसी हरी भरी रहे। तो आई होप आप सबके डाउट जो है वो क्लियर हो गए होंगे। ठंड आ रही है, अपने तुलसी को तुरंत बचा लीजिए, नहीं तो फिर आपको नया तुलसी खरीदना पड़ेगा। और इस तरह से आप केयर करेंगे तो सालों साल आपकी तुलसी हमेशा हरी भरी रहेंगी, और कभी भी आपको नया तुलसी खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी। इवन आपको छोटी छोटी तुलसी आपके घर में खुद ही आपको मिल जाएंगे, जब इसकी मंजरी आप इसको तोड़ करके इसमें डालते जाएंगे। और एक और दो वीडियो मेरे चैनल पे आपको तुलसी में और डिटेल में मिल जाएंगे, तो आप ज़रूर जाके देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर हिट कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो को का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नए प्लांट्स या नए पेंटिंग के साथ। तब तक हैप्पी गार्डनिंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।